हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज देख रहे हैं कितना सुबह सुबह मैं उठ गया हूँ। अभी 6 बजने वाला है और इतना जल्दी मैं उठ गया हूँ। देखिए कितना कुहासा लगा हुआ है, पूरा कुहासा लगा हुआ चारों तरफ। लग रहा है ना इस एरिया में मैं ही सबसे पहले उठा हूँ, ऐसा ही लग रहा है। अभी उठ रहे हैं, अभी जा रहे हैं उधर। इतना सवेरे उठने का कारण बता रहा हूँ, इतना सवेरे उठने का कारण एक ही है, जो मुझे गाड़ी चलाने जाना है। तो अभी जाते हैं। तो हंसा लगा हुआ है बट उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो अभी चलते हैं और चला के आते हैं। तो पूरी गाड़ी साफ़ कर दिया हूँ, अभी देख रहे हैं, अभी गाड़ी लेके निकलते हैं। वैसे रोड सब पूरा खाली है और गाड़ी सभी भरा हुआ है गैरेज में, देख रहे हैं। तो अभी गाड़ी लेकर निकलते हैं जल्दी से, अभी 6:30 हुआ है। बहुत समय लगा गाड़ी साफ़ करने में क्योंकि बहुत धुला हो जाता ना कल, लेके नहीं निकले थे। कल ब्लॉग भी शूट नहीं किया सारा दिन, तो कल लेके नहीं निकले थे। तो पूरा देख रहे हैं यहाँ पे, तो पूरा ये बहुत ही ज़्यादा ये हो गया था। एक दिन नहीं निकले थे ना, बहुत ज़्यादा कचरा आ जाता है, इस रोड के साइड में रहता है ना इसलिए। तो अभी आ गए गाड़ी के अंदर, भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गए हैं और आज बहुत ही अच्छे से दिखाऊंगा आप सभी को, ठीक है। तो आज कोई भी चीज़ मिस नहीं करूंगा जो अगले पिछले ब्लॉग में आप नहीं दिखा पाए थे आप सभी को, तो दिखा देंगे, ठीक है। चला रहे हैं अभी, दिखा दे रहे आप सभी को। गाड़ी ऑन कर दिया हूँ, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं गाड़ी चलाना, ठीक है। पावर ब्रेक उतार लेता हूँ। रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है ना। एक और रिवर्स कर लेता हूँ, क्या है। घुमा लिया, अब जाने दे। यहीं तक है मेरा, दिखा दिया कितना। अभी आगे वाला दिखाए, अब अपन वाला दिखाते हैं, ठीक है। जगह पे आ गए हैं, अब इस टेंट में लगाते हैं। हो गया, हैंड ब्रेक लगा दो, ठीक है। गाड़ी ऑफ करो, ठीक है। मिरर उठा दे रहे हैं, ओ नीचे कर रहे हैं। हो गया,
सब कुछ ओके है, ठीक है। अब क्या करना है, बोतल लेना है और हैंडल लॉक करना है। हैंडल नहीं, स्टीयरिंग, कार में स्टीयरिंग होता है लेकिन बोतल लिए निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी आ गया हूँ गाड़ी से, ये दूध और वो अभी जा रहे हैं। आज थोड़ा हैप्पी हूँ क्योंकि दिखा पाया सभी को, ठीक है। और पूरा फ्री से गाड़ी चला, यहाँ पे दिखाई दिया आप सभी को कहाँ कहाँ लेके जाते, उससे ज़्यादा मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है। और जहाँ से मैं टर्न लिया हूँ, मतलब फर्स्ट बार जो टर्न लिया था, तो वहाँ से वहाँ पे गाड़ी अगर लगा रहता ना तब आगे जाना पड़ता है मुझे, क्योंकि वहाँ पे कहीं जगह ही नहीं है घुमाने के लिए था, तो वहीं पे घुमा लिए और आ गए। जा रहे घर पे, बहुत सवेरे में, अभी तक कोई नहीं उठा होगा इस एरिया में, नहीं उठा होगा ऐसी बात नहीं है, बट कोई उतना नज़र नहीं आ रहा है, सब सो रहा है। अभी इतना सवेरे उठ के करेगा भी तो करेगा क्या, कोई भी इतना सवेरे उठ के क्या करेगा। मेरे लिए थोड़ी, मेरे जैसा थोड़ी ना गाड़ी चलाना है, तभी सब सो रहा है। तभी चलते हैं, मामी उठ गई होगी शायद, मामी उठ गई होगी पक्का। अभी सिर्फ मामी उठी, देख रहे हैं मामी अपना काम कर रही है यहाँ पे, सब्जी सब के लिए काम, आज बहुत काम है ना मामी, आज बहुत काम है इसलिए मामी भी सवेरे उठ गई है, सब्जी सब काट रही है यहाँ पे। काफ़ी देर के बाद है ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, अभी बज रहा है 11:30 और मैं मामा के पास में जा रहा हूँ कुछ सामान लेकर के। मामा गाड़ी मतलब कार को कुछ कर रहे हैं कार में, तो कुछ सामान लगेगा वहाँ पे, तो मामा बोल रहे हैं लेके आने के लिए, तो सामान सब लेके जा रहा हूँ मामा के पास में, दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं मामा गाड़ी में, ठीक है। तो अभी चलते हैं, अभी नहाए भी नहीं है, ऐसे ही बेड पर बैठे हुए थे, फ़ोन घाट रहे थे, कुछ भी मतलब नहाए भी नहीं है, नाश्ता हो गया है, नाश्ता बहुत देर पहले हो गया, तो अभी जा रहे हैं मामा के पास में, देखिए क्या काम है वहाँ पे। ये डब्बा लेना है, डब्बा लिए हैं और ये सिरेस पेपर है, ये देखिए सिरेस पेपर है रगड़ने वाला कुछ, तो यही लेके जा रहे हैं। लॉक हो जा, ये मक्खी मस्त लग रहे हैं ना, ये धूप भी निकल के देख रहे हैं। अभी जा रहे हैं मामा के पास, पूरा हरा हरा है यहाँ पे, देख रहे हैं। ये है, ये हेडलाइट कहाँ टूट गया है, इसको झलाने के लिए ले जाना पड़ेगा। अभी आए हैं, गाड़ी खोले हुए हैं मामा, अभी नहीं दिखाए, अभी इसको ये करके लाते हैं ना, जुड़ा के लाते हैं, उसके बाद में आप सभी को दिखाएंगे क्या हुआ है गाड़ी में, ठीक है। अभी जा रहे हैं साइकिल लेने के लिए, और यहाँ पे सरस्वती पूजा का पंडाल बन रहा है, देख रहे हैं सरस्वती पूजा के लिए। अभी BMW निकालना पड़ेगा, पहले सीढ़ी निकालो, फिर बाइक निकालो, फिर BMW निकालो, कोई ना निकालता हूँ। अभी आ गया हूँ जहाँ पे सोल्डिंग होगा ना, उसी की दुकान पे, वेल्डिंग उसी की दुकान पे आया हूँ यहाँ पे, लेके देखिए कैसे टूट गया है। अपना BMW लेके आया हूँ मेन रोड में, अंकल के पास में भी गैस वेल्डिंग हो रहा है। मैं अभी जा रहा हूँ पैसा देने के लिए, मामा को बोलती हूँ मुझे पैसा नहीं दिया हूँ, जाकर के दे आता हूँ पहले, मैं भूल गया था भाई, वीडियो शूट करते करते ही आ गए,
ध्यान ही नहीं रहा, जो पैसा भी देना है वो भी नहीं मांगे, तो भूल गए। तो अभी पहुँचे वहाँ पे, मामा को दिए तभी याद आया, जो पैसा भी नहीं दिए। अभी वो दुकान में नहीं थे, जो झलाई किए थे उनके साथ में जो काम करते हैं वो थे, उन्हीं को दे दिए। अभी आ गया हूँ छत में, अभी नहा के पूरा फ्रेश हो गया हूँ। अभी 2:30 के करीब हो रहा है, पहले इसको लगा लेता हूँ, नहीं तो ये मारेगा अभी यहाँ से, यहाँ पे मारेगा फटाक से और नीचे से आवाज़ आएगा। यहाँ पे तो लगेगा ही, यहाँ से तो आवाज़ आएगा ही, नीचे से भी आवाज़ आएगा, तो कर क्या रहा है ऊपर में, इसलिए इसको लगा देता हूँ। तो अभी नहा के फ्रेश हो गया, आज बहुत लेट हो गया नहाने में, क्योंकि क्या बताएं, आज थोड़ा सा लेजी आज थोड़ा सा लेजी टाइप के हो गए थे। सुबह से उठे ना तब, मतलब आज बहुत ही पहले उठ गए थे, तो क्या हुआ था ना, नींद लगा ही रहता था मुझे। मेरे को नींद लगा ही था, तो बेड पे बैठे हुए थे, मतलब थोड़ा सा फोन घाट रहे थे, नींद सो भी रहे थे, इसलिए लेट हो गया नहाने में। और उधर भी चले गए थे, देखे मामा के पास में भी गए सामान सब लेकर के, फिर वो जो काम करवाना था सोल्ड, मतलब वेल्डिंग करवाना था, वो वहाँ पे लेके गए, झलाई झलाई जो भी हो, तो फिर पैसा देना ही भूल गए थे, फिर वापस जा कर के पैसा दे आए उनको, वो नहीं थे उनका साथ में जो काम करते थे उसको दे आए, वो कहीं चले गए थे काम करने के लिए, उनको दे दिए, फिर आ गए। और अभी जा रहे हैं खाने के लिए, मम्मी खाना निकाल दिए नीचे में, और ये फूल सब मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी जाते हैं अपन खाना खाने के लिए, ठीक है। बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है अभी यहाँ पे ना, ठंडी जैसे लग रहा है गायब हो गया, ऐसे ही लग रहा है। सुबह में हल्का सा ठंडी लग रहा है, अभी गर्मी देना शुरू हो गया। मैं अभी एक टी शर्ट में ही हूँ, मैं टी शर्ट में हूँ, ऊपर से हवा भी चल रही है ना, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ठंडी का, जैसे लग रहा है गर्मी आ गया।